नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले चावल जीरा डालकर। तो यहाँ मैंने लिए हैं एक कटोरी शक्कर, और आप गुड़ भी ले सकते हैं, और एक कटोरी बासमती चावल, और थोड़े से ड्राई फ्रूट, और एक चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक, और 3-4 हरी इलायची। और इसके लिए मैंने लिया है 3 कटोरी पानी, और उसमें हम गुड़ डालकर उसकी चाशनी बना लेंगे। आप देख सकते हैं एक उबाल आ गया है, तो हम गैस बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने चावलों को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। उसमें इलायची और जीरे को भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें अब हम चाशनी डालेंगे। और अब हम इसमें वॉश किए हुए चावल भी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, इससे चावलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट ढककर स्लो हीट पर पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये बन गए हैं, और इन्हें हम 5 मिनट के लिए ढककर दम पे रख देंगे। आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं, और जब आप इसे सर्व करें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डाल लें।